हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग क्रेन इंडिया जो एक ब्रिटिश ऑयल कंपनी है इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट एक केस जीता था आर्बिट्रेशन अवार्ड का इसमें एक पॉइंट दो बिलियन डॉलर प्लस इस पर जितना भी टैक्स लगता है तो लगभग 1.7 बिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट को क्रेन एनर्जीज को देना है ना इसी अवार्ड को लेने के लिए क्रेन एनर्जी ने एयर इंडिया के जितने भी असिट्स हैं बाहर की कंट्रीज में उनको सीज करना स्टार्ट कर दिया है दे आर इन इनसेट्स को बेच के हम हमारा जितना भी अवार्ड का पैसा है उसको वापस लेंगे नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस क्योंकि यहां पे वोडाफोन केस का आपको याद है वोडाफोन और हच एक बार 2000 सिक्स या सेवन के आई के अंदर आई थिंक एक वोडाफोन इन हज का केस हुआ था जिसके अंदर गवर्नमेंट इन इंडिया ने बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो लगाया था वो जो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टैक्सेशन लगाया था उसका हालांकि अभी 2007 की बात है लगभग बाईस हजार बाईस हजार करोड़ रुपए का टैक्सेशन था न इंडियन गवर्नमेंट ने वोडाफोन को बोला था कि वो टैक्सेशन हमको पे करो नाउ सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि आपने अपना थर्टी परसेंट का जो शेयर था वो बेचा है उससे आपको जो प्रॉफिट मिला है उस पर आपका इतना परसेंट टैक्स होता है उस टैक्स पे इतना परसेंट इंटरेस्ट होता है तो हमको बिलियन डॉलर हमको इतना टैक्स दो वन पॉइंट टू बिलियन डॉलर का तो क्रेन एनर्जी ने बोला कि आप ये जो इंडिया और यूके के बीच में बायोलिटरल अग्रीमेंट हुआ था उसके अगेंस्ट जा रहे हो दिस इज अगेंस्ट क्योंकि आप रेट्रोस्पेक्टिवली किसी लॉ को लेके नहीं आ सकते उसमें तो उस पर क्रेन एनर्जी ने इंडिया पे केस डाल दिया आर्बिट्रेशन अवार्ड फाइनली जो कोर्ट uh, था कोर्ट ने क्रेन एनर्जी के फेवर के अंदर अवार्ड दे दिया और बोला कि आपको इंडिया इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जितना टैक्स था प्लस उस पर जितना इंटरेस्ट होता है वो क्रेन एनर्जी को पे करेगी सो दिस दिस इज द होल केस मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दी कि क्या केस है एंड हाउ दिस इज एक्चुअली अगर अगर इफ इफ इट इट लाइक दिस तो कैन एक्चुअली डेंट इंडियन इमेज क्योंकि एयर इंडिया हमारा क्या है फ्लैगशिप बेरियर है मतलब दिस इज एयर इंडिया तो अगर इस तरीके से एयर इंडिया के असर सीज हो जाते हैं तो इंडिया की पूरी इंटरनेशनल इमेज पे एक बहुत बड़ा डेंट मतलब डेंट मतलब बोल समझते हो ना कि आप ऐसे धब्बा सा लग जाएगा तो ब्रिटिश ऑयल ब्रिटिश ऑयल कंपनी ग्रेन एनर्जी इन्होंने एयर इंडिया को सू करा है तो पहला सवाल तो ये बनता है कि यार पैसा तो इंडियन गवर्नमेंट से लेना है ना आप एयर इंडिया को क्यों सू कर रहे हो आप एयर इंडियन गवर्नमेंट को सू करो यू कि इन्होंने एयर इंडिया को सू क्यों करा है ताकि इनके न्यूयॉर्क में जो असेट है लगभग 1.2 बिलियन को आर्बिट्रेशन अवार्ड का जो पैसा है उसको यहाँ से ले सके क्योंकि इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग की इसको जीता था नौ यूके की जो क्रेन एनर्जी है इन्होंने अपना ये लॉ सूट क्या करा है कि ये जो इन्होंने आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता है इसको अभी ये डिफरेंट कंट्रीज में लेके जा रही है सिचुएशन ऐसे समझो आप कि ये इंडिया है और इंडिया की एयर इंडिया है एयर इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑफिस होगा असेट होगा तो यहाँ पे यूके है यूके ने क्या करा यूके की ये क्रेन एनर्जीज़ ने अपना अवार्ड जीता, अभी इनको चाहिए 1.7 बिलियन डॉलर। अब ये क्या कर रहे हैं ये एयर इंडिया को सू कर रहे हैं कि जहां जहां पे एयर इंडिया के असेट्स हैं वहां पे हम सीज करेंगे तो ऐसे तो सीज कर नहीं सकते ना ऐसे तो नहीं है कि जा गए और छापा मारा और उसको सीज कर लिया ऐसे तो हो नहीं सकता तो व्हाट वुड कि क्रेन एनर्जी को जो आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला है इसकी कॉपी लेकर इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये कोर्ट में जाएंगे जैसे यू एस ए के कोर्ट में जाएंगे ये सिंगापुर के कोर्ट में जाएंगे जैसे कि ये चाइना के कोर्ट में जाएंगे वहाँ पर अपने अवार्ड का कॉपी लेके कि भाई ये देखो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने हमको बोला है कि हम असेट हम लोग हम लोग जीत गए तो यहाँ पर हम एयर इंडिया के जितने भी असेट है इसको सीज करना चाहते हैं तो यू एस ए के कोर्ट में अपना वो अवार्ड दिखा के यू एस ए के कोर्ट से वहाँ से परमिशन ले लेंगे क्यों लेना जरूरी है क्योंकि एयर इंडिया के असेंट जो बाकी कंट्री में है वहां पे इस तरीके से सिंपली जाके वो वहां पे उसको सीज नहीं कर सकते उस कंट्री का उनको परमिशन चाहिए होगा तो दिस इज द थिंग कि वो दूसरी कंट्रीज में जाके अपने जो लॉ सूट हैं उनको लेके आ रहे हैं कि हमको इतना पैसा वन बिलियन डॉलर का पैसा रिकवर करना है इंडियन गवर्नमेंट से तो हम लोगों को इसलिए हम हम लोगों को इसलिए असट जो है उसके वो सीज करने पड़ेंगे नाउ क्वेश्चन इज की क्रेन एनर्जी ने इंडियन डिस्प्य। क्या डिस्प्यूट क्या है क्रेन एनर्जी इन एयर इंडिया का डिस्प्यूट क्या है देखो दिसंबर लास्ट ईयर के अंदर एक तीन मेंबर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल था इन्होंने अनोनमसली मतलब सब लोगों ने यही बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट था इंडिया यूके ब्रिटेन बायोलिटरल ट्रीटी का इसको ब्रीच करा है जो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट को गारंटी करता है आप रेट्रोस्पेक्टिवली जाके टैक्स को अमेंड करके आप ये नहीं बोल सकते कि आपका इतना टैक्स बनता है आप हमको टैक्स दो तो ये क्रेन उसने तो ये इट अवॉर्डेड क्रेन वन पॉइंट टू बिलियन प्लस वॉट एवर इंटरेस्ट इट इज क्योंकि इंडिया लाइबल है पे करने को अब क्रेन के क्योंकि इन्होंने क्या करा देखो क्या हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्रेन एनर्जीज़ का जो टैक्स था उसको काट लिया था तो उसके बाद में क्रेन एनर्जी थी उसने बोले कि आप ये ब्रीच कर रहे हो आप नहीं काट सकते तो वो कोर्ट के पास चली गई थी तो कोर्ट ने क्रेन एनर्जी के फेवर में दे दिया अब ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड क्या है दैट इज द बिग क्वेश्चन की क्या पूरा जो केस है ना ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड पे ही टिका हुआ है तो ये वोडाफोन के जैसा केस है 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था उस जजमेंट से थोड़ा सा मैं आपको पहले, उस से थोड़ा सा पहले मैं आपको लेके की लगभग कि लगभग 2007 के अंदर वोडाफोन ने हच को अक्वायर करा हच से 67 परसेंट के जो इसके शेयर थे हच के खरीद लिए वोडाफोन ने लगभग ग्यारह बिलियन डॉलर का यहाँ पे इन्होंने परचेज करा था तो एक मोबाइल कंपनी एक मोबाइल कंपनी ने दूसरी मोबाइल कंपनी के जो असेट थे उसको खरीदे थे तो सरकार ने बोला इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुमने ये जो खरीदा है ना यहाँ पे इस पे टैक्स बनता है ये कैपिटल गेन है इस कैपिटल गेन पे आपको सोर्स पे आप सोर्स क्या आपका आपने हज इंडिया में लोकेटेड थी इस आपने इंडिया में ये जो 11 बिलियन का बिजनेस करा है ना इसका टैक्स कौन देगा इसका टैक्स तो हमको लगभग सात हजार नौ सौ नब्बे करोड़ रुपए का तो वोडाफोन ने बोला भाई ऐसे थोड़ी होता है ये तो वोडाफोन क्या करी चली गई उन्होंने बॉम्बे कोर्ट के पास चली गई बॉम्बे कोर्ट ने बोला सही बोल रही है इंडियन गवर्नमेंट दो भाई टैक्स तुम तो वोडाफोन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि देखो वोडाफोन का जो इंटरप्रिटेशन था इनकम टैक्स एक्ट 1961 का वो बिल्कुल सही था अगर किसी कंपनी के स्टेक परचेस करे हैं यहाँ पे तो वोडाफोन इस चीज के लिए लायबल नहीं होती है कि इस टेक को परचेज करने पे वो फिर से आपको टैक्स देगी क्या तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जजमेंट देके इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि तुम वोडाफोन को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कि वो तुमको टैक्स दे क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ इनकम टैक्स एकदम सही है उसके बाद उसी साल हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रणव मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करते हुए एक प्रपोजल दिया कि फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंड कर दो फाइनेंस एक्ट कब आता है हमारा बजट के टाइम पे फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंड कर दो कि भाई ये जो इनकम टैक्स है ना इसको रेट्रोस्पेक्टिवली डील के अंदर माना जाएगा मतलब 2012 में आप उसको अमेंड कर रहे हो बोल रहे हो कि 2006 या 2007 में भी अगर कोई डील हुई है इस तरह की तो हम उस डील पे भी इस 2012 में हुए अमेंडमेंट के तहत उस पर टैक्स लगाएंगे और इसी पूरे फेमस केस को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस समझ आया आपको वोडाफोन का केस था वोडाफोन ने बोला मैंने कंपनी से टैक्स खरीदा है मैं सोर्स पे टैक्स नहीं दूंगा बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं देना पड़ेगा सुप्रीम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं वोडाफोन सही बोल रहा है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है और उसी वक्त पे फाइनेंस एक्ट के अंदर हम नया अमेंडमेंट लेके आए जिसमें इनकम टैक्स 1961 के अंदर हमने अमेंड कर दिया और बोला कि रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स देना पड़ेगा एंड दैट इज द केस ऑफ द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन और यही आर्बिट्रेशन सेम चीज यहाँ पे हुई है वॉट हैपन कि दो के अंदर क्रेन इंडिया ने बोला कि मेरे पास इंडिया में जितने भी क्रेन इंडिया क्या है ब्रिटेन की

अब इंटरनल रीअरेंजमेंट के अंदर जो क्रेन यूके है उन्होंने जो क्रेन इंडिया, होल्डिंग थी, वहां से इंडिया के अंदर ट्रांसफर कर दिए तो जब इन्होंने ट्रांसफर करे तो ये क्या हो रहा है नॉन इंडियन कंपनी से इंडियन होल्डिंग कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं समझ आया आपने क्रेन यूके ने क्रेन इंडिया होल्डिंग के जो शेयर थे उसको बोला कि भाई अब हमने कंसोलिडेट कर लिया है तो मैं इसको क्रेन इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दूंगा तो उन्होंने नॉन इंडियन कंपनी से इंडियन कंपनी के अंदर अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया उसके बाद क्रेन इंडिया ने बोला कि मैं अभी आईपीओ खोलूंगा तो उन्होंने तीस क्रेन इंडिया का जो शेयर था 30 परसेंट इन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में डाल दिया तो यहाँ पे वेदांता ग्रुप ने एक बहुत बड़ा शेयर खरीद लिया था 2001 में काफ़ी परसेंटेज वेदांता ने खरीद लिया था लेकिन क्रेन यूके ने अपना 9.8 परसेंट स्टेक जो था क्रेन इंडिया का उसको ट्रांसफर नहीं करा था वेदांता को 2000 तो टैक्स अथॉरिटीज इंडिया ने बोला कि 2006 में जो ट्रांजैक्शन हुआ था कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था ये जब क्रेन यूके से क्रेन यूके ने क्रेन इंडिया होल्डिंग से क्रेन इंडिया में जो शेयर ट्रांसफर करे थे कंसोलिडेशन के टाइम पे उस पर टैक्सेशन है वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्सेशन अट्रैक्ट हो रहा है आपको छे हजार करोड़ रुपए का टैक्स देना पड़ेगा तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग था वोडाफोन का वो भी सेम ही चीज में था ना उन्होंने भी यही बोला था कि देखो भाई वोडाफोन कैपिटल गेन ऐसे ट्रांजैक्शन में नहीं अट्रैक्ट करेगा जो ट्रांजैक्शन डिड नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट कैपिटल एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ है वहां पे शेयर है जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में उसी कंपनी का पार्ट है गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने किया रेट्रोस्पेक्टिवली हो गया था तो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है क्रेन इंडिया बोल रहा है कि आप ये यूके इंडिया बायोलिटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो हमारे टैक्सेशन के लिए होती है इसको ब्रीच कर रहे हो यू आर ऑब्लिगेटेड इंडिया को बोला कि आप ऑब्लिगेटेड हो कि इस ट्रीटी के अंदर फेयर इन इक्विटेबल में ट्रीटमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट ने बोला कि तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता क्रेन इंडिया ने यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ है उसका पूरी दुनिया में कहीं पे भी टैक्सेशन नहीं दिया है सो दैट इज लाइक अ बीच इन अ टैक्सेशन रूल ऑल्सो तो ये जो पूरा लॉ सूट चला है इसे एयर इंडिया, इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि अभी अभी फिर वो क्वेश्चन आ गया कि क्रेन इंडिया की दिक्कत तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है तो वो एयर इंडिया को क्यों सुव कर रहा है राइट दिस इज द क्वेश्चन ना कि टैक्सेशन अथॉरिटी टैक्सेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है आप एयर इंडिया को बीच में क्यों ला रहे हो क्रेन इंडिया का बोलना है कि एयर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑल्टर इगो है इट शुड बी हेल्ड ज्वाइंटली बोल रहा है कि इसको ज्वाइंटली हेल्ड करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जितने भी डेथ्स हैं वो मोस्टली इसी जो पर्टिकुलरली जो, जो इस जजमेंट से राइज होते हैं वो इस वजह से हो रहे हैं एयर इंडिया एक नेशनल कैरियर है और ये कंप्लीटली होली ओन्ड एंड एक्सेसिवली कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट है इसके प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है और अभी इस तरीके जब लॉ इस तरीके जब लीगल इश्यूज आ रहे हैं जब यहाँ पे कोई दूसरी ब्रिटेन की ऑयल कंपनी कोई दूसरी बाहर की कंपनी आके इंडियन कंपनी के इंडियन कंप्लीटली ओन्ड इंडियन असेट के अगर वो उसके असट सीज करने की बात कर रही है सो दैट इज़ लाइक अ सीरियस लाइक इशू इन टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया ऑल्सो तो यहाँ पे इन्होंने 1983 में यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था उसका उसको देते हुए बोला कि ये जो एयर इंडिया और क्रेन है ये आपस में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं अभी देखो कि इट्स अप टू द कोर्ट कि वो कैसे डिटरमाइन करता है कि व्हाट लेवल ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल जो एयर इंडिया का है वो गवर्नमेंट के पास होगा वेदर एयर इंडिया के जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसको कितना मैनेज करेंगे दैट इज अ थिंग विच इज अप टू कम अभी यहाँ पे ये जो क्रेन इंडिया है ये बाकी नौ कंट्रीज़ के अंदर भी घूम रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि उसको यूएसए सिंगापुर चाइना जहाँ जहाँ पे एयर इंडिया के एसेट है वहाँ पे जाके पहले उस अवार्ड को रजिस्टर और रिकॉग्नाइज करना होगा फिर वहाँ पे वहाँ पे जाके वो उनको बोलेगा कि देखो अभी मेरा अवार्ड है मेरे को पैसे लेने हैं मेरे को इन एसेट को सीज करने की परमिशन तो फिर वहाँ से परमिशन लेनी ली जाएगी तो वहाँ पर उसको भी अभी जीतने के लिए भी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वी आर ट्राइंग कि या तो हम उसको रोक दें या हम उसमें किसी तरह का हॉल्ट लगवा दें वी हैव ऑल्सो वेंट टू द नियदरलैंड ऑल्सो तो लेट जिस सी कि ये ट्रिब्यूनल अवार्ड जो है ये पर्टिकुलरली इसी लिए है कि इंडिया ने यू के इंडिया बाइलिटरल इन्वेस्टमेंट रिटी को ब्रीच करा है और वन पॉइंट टू बिलियन डॉलर प्लस जितना भी इंटरेस्ट और कॉस्ट आया है दैट दैट इज़ वन पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर इतना इनको देना पड़ेगा अभी uh, सी यही है कि जितने भी इंडियन सोवेरियन असेट्स हैं आइडेंटिफाई कर रही है और ये जो है पर्टिकुलरली यूके के अंदर इन्होंने असेट को सीज करने की बात कर दी क्योंकि इन्होंने क्या करा है कि पूरा एस्टिमेशन लगाया है कि कहाँ कहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के कितने असेट्स हैं और उसके बाद में इन्होंने अभी बोला है कि ये जो यू के अंदर जितने भी असेट्स हैं उनको हम सीज कर सकते हैं सो रजिस्ट्रेशन ऑफ द अवार्ड इज़ द फर्स्ट स्टेप पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद में अगर गवर्नमेंट पे नहीं करती है तो इस अवार्ड को पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना जाएगा फॉर इट्स इन्फोर्समेंट के लिए अगर एक बार कोर्ट रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ भैया ये आर्बिट्रेशन अवार्ड है तो कंपनी जो है इट कैन पिटिशन इट वो उसको पिटिशन डाल सकती है कि सर मेरे को इंडियन गवर्नमेंट असर जितने भी हैं उनको सीज करने की प्रॉपर उनकी सीज करने की परमीशन दी जाए ताकि मेरा जितना पैसा है वो मैं ले सको और इंडियन गवर्नमेंट मिन वेल वी आर ट्राइंग की जो स्टेट रन अगर किसी स्टेट के पास इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट आती है कि इसको लिक्विडिफाई कर दो लिक्विडेशन के लिए अगर आती है तो उसका सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले जो न्यूज है वो कॉल है जो इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगा एंड इट इज आल्सो फाइटिंग क्रेन इंडिया कि ये आर्बिट्रेशन अवार्ड को फॉरेन कोर्ट के अंदर ना इन्फोर्स करवाए क्योंकि एक बार इन्फोर्स करवा दिया पिटिशन फाइल करवा दी उन्होंने परमिशन ले ली तो फिर इट वुड बी वेरी इजी वेरी वेरी इजी क्योंकि अपनी कंट्री में हम फाइट कर सकते हैं बाहर की कंट्री में उनको रोकना कि वो हमारे एसेट सीज ना करें वुड नॉट वुड नॉट बी इजी फॉर अस सो दिस वाज द होल केस लेक जिस सी एस के क्या डेवलपमेंट होते हैं बट आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग कि लाइक like, एनी वेज एर इंडिया इज गोइंग इन द लोस राइट एंड उसका हम प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहे हैं सो so, हमारे इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए दिस इज़ अ वेरी 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 बिग असेट बट वन पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर इज अगेन अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ द मनी सो लेट जस्ट सी के आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं हल की पी अपडेटेड मेरा नाम संतोष है अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो लिटिल अंडर स्कोर सिंपल अंडर स्कोर बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं वीडियो का पी डी एफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा और अपना ध्यान रखिए डबल मास्क पहनी अगर आप वेस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में है अगर ताऊते आपको इफ़ेक्ट कर रहा है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए बाहर तो बिल्कुल भी मत निकलिए वैसे भी नहीं निकलना है तो अभी तो कुछ थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले लीजिए और आ, अपना ध्यान रखिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जय हिंद